हमीरपुर के पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान हमीरपुर मेडिकल कॉलेज को दी गई आरटीपीसीआर मशीन काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जिसकी वजह से कोविड मरीजों के लिए तुरंत उनकी टेस्ट रिपोर्ट मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि नदौन के विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू की ये देन कोविड मरीजों के लिए काफी लाभकारी सिद्ध हो रही है। उन्होंने कहा कि सुक्खू के द्वारा करीब 35 लाख की लागत से दान की गई ये आरटीपीसीआर मशीन की वजह से मरीजों को काफी लाभ मिल पा रहा है। कुलदीप पठानिया ने लोगों से भी आह्वान किया है कि वह कोविड महामारी के दौरान अपना बचाव करें और चेहरे पर हमेशा मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तभी कोविड महामारी से बचा जा सकता है। इस कोविड-19 के दौर में महामारी के बीच में भाई सुखविंदर सुक्खू ने जो हमीरपुर के लिए एक बहुत ही लोगों की सुविधा के लिए जो आरटीपीसीआर की मशीन पहली लेयर जब आई थी तो भेज लगाई थी, अपनी विधायक निधि से 35 लाख देके आज उसकी वजह से पूरे हमीरपुर में उसका पूरा फायदा मिल रहा है। और साथ में लगते हुए कांगड़ा का आलमपुर हुआ, सरका घाट का एरिया हुआ, गमारमी का हुआ, उनने का पार्ट हुआ, वहाँ के भी लोग आके उसका पूरा भरपूर फायदा उठा रहे हैं। अगर वो मशीन ना होती आरटीपीसीआर की तो मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा मौतें होती, क्योंकि उसका जो रिजल्ट है वो देर से आते थे। आज यहाँ सुबह टेस्ट करके शाम तक लोगों की बीमारी का पता लग जाता है और इमीडिएटली उनको जो है अगली जो है मेडिसिन मिल जाती है या उनको जल्दी से जल्दी कहीं आगे भी अच्छे हॉस्पिटलों में जा रहे हैं। ये सुक्खू जी की दूरदर्शिता थी और लोगों के हित की और अपने ज़िले के लोगों की जो समस्या थी उसको दूर करने के लिए उन्होंने इसका प्रयास किया। और साथ में अभी जो दूसरी लहर आई है उन्होंने ऑक्सीमीटर और थर्मल स्कैनर का जो भेजने का प्रयास भेजे हैं उससे भी यहाँ के उसकी सोच से ये पता लगता है कि उन्होंने आखिरी आदमी जो गरीब आदमी है उसकी पहुँच तक इसको पहुँचाने का प्रयास किया है, जिससे सब लोगों को और सब गरीब लोगों को इसका फायदा होगा। ये उनका दूरदर्शिता और गरीब लोगों की मदद करने के लिए और जिला हमीरपुर की जो समस्या उसको दूर करने के लिए उन्होंने प्रयासरत रहे हैं। हम उनका धन्यवाद करते हैं और स्वागत करते हैं कि आगे भी वो इस तरह के अपने प्रयास जारी रखें ताकि हमीरपुर के लोगों को समय समय के ऊपर स्वास्थ्य की जो सुविधा है वो मिलती रहे। धन्यवाद।